हेलो दोस्तों, फिटनेस फाइटर्स में एक बार आपका वापस से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त हरमित सिंह, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज मॉन्टू आज भी नहीं आया, बहुत बिजी चल रहा है आजकल। दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है आप देख सकते हैं, मेरे सामने पड़ा हुआ है एप्पल साइडर विनेगर। अभी ये भी दोस्तों आपने इसके लिए भी काफ़ी कमेंट किया था कि दोस्त सर आप एप्पल साइडर विनेगर जो है, और मोस्टली मुझे लगता है कि उन्होंने कमेंट किया हुआ जिनको वेट लॉस करना है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, इसमें मदद होती है। लेकिन टॉपिक पर चलने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर रहे हो तो घंटा दबाइए, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो पे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर वो है क्या और वो बनता कैसे है। वो बनता है एप्पल के जूस, आपको मैं क्लियर बताता हूँ, एप्पल का जो जूस रहता है उसे रखा जाता है काफ़ी दिनों तक, और उसके बाद जो उसमें जो शुगर आती है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होती है, फिर अल्कोहल में जो है वो बैक्टीरिया डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जो फाइनली वो जो प्रोडक्ट होता है वो होता है विनेगर। और विनेगर का मतलब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, एकदम प्योर हिंदी में उसे कहते हैं सिरका, जिससे आपने गांव साइड में सुना रहेगा, तो आपके समझ में तो आ ही गया। दोस्तों चलते हैं अभी इसके बेनिफिट्स के ऊपर। हमारे पास में है वाव का एप्पल साइडर विनेगर, तो क्या सच में बेनिफिशियल है, तो आपको पॉइंट्स वाइज बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है वेट मैनेज वेट, मतलब आपका जो है वेट को जो है बढ़ने नहीं देता। इवन यही नहीं, आपका जो है सबसे सबको तो ऑलमोस्ट ज़्यादा लोगों को तो पता ही है, क्योंकि वेट लॉस में ये हेल्प करता है। बूस्ट हेल्थ हार्ट, क्योर बैड ब्रेथ एंड सोर थ्रोट, मैनेज ब्लड शुगर, हीट स्ट्रोक, गेट्स शाइनी हेयर एंड ग्लोइंग स्किन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वेट लॉस के बारे में, क्या सच में मदद करता है। दोस्तों डेफिनेटली मदद करता है, क्योंकि ये चीज़ प्रूवन है। और यही नहीं, मेरी वाइफ ने भी इसे लिया था, वो पानी में उसने डाल के रखा हुआ था और वो सिप सिप करके पीती थी, तो उन्होंने 3 महीने पहले उन्होंने कुछ 12-13 किलो वजन कम किया था, लेकिन उसे भी टाइम लग गया था, उन्होंने 2.5 से 3 महीने लग गए थे। और दोस्तों इसे लेने के बाद मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ क्या होता है। आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, आप कैलरी डेफिसिट में चले जाते हो, और आप 300-400 कैलरी कम खाते हो, तो क्या होगा आपका, डेफिनेटली आपका वेट लॉस तो होएगा ही। ये जो आपको स्टार्वेशन लगता है ना कि हमको भूख लग रही है, ये आपको इसमें वो होने नहीं देता। तो इसे कैसा लेना है, इसको कैसा लेना है वो आपको मैं अंत में बताऊंगा, इसके जो सर्विंग्स कैसे लेने। तो फिलहाल जो है ये आपको वेट लॉस करने में मदद करता है, क्योंकि आप कैलरी डेफिसिट में चले जाते हैं। चलते हैं हम हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, वो है दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और अगर इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं तो आपके जो है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम LDL बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उससे भी वो प्रिवेंट करता है। और जिस अगर उससे अगर आपको प्रिवेंट कर दिया तो क्या होगा दोस्तों, आपका हार्ट जो है वो पहले से बेटर हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, वो है कैंसर के बारे में। कैंसर होने की अगर किसी को संभावना है तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर देगा इसमें, और जिसे कैंसर है तो उनका भी इसमें इलाज किया जाता है। जो एसिटिक एसिड रहता है वो इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पर उनको कैंसर है, तो क्या होता है दोस्तों कि वो प्रिवेंट करता है कैंसर को बढ़ने से, और काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस भी कर देता है। और जिन्हें शुगर का इशू है, जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, दोस्तों क्या होता है, देखिए जिनको शुगर का प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा शूट क्या करता है जो आपकी बॉडी में, उसे हम कहते हैं सिंपल कार्ब्स, राइस हो गया, फिर राइस हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, जंक हो गया, कुछ भी हम लोग जंक फूड पिज्ज़ा विज्ज़ा खाते हैं, ये सब सिंपल कार्ब्स है जो आपके ब्लड शुगर को तुरंत बढ़ा देता है। उसके बाद अगर आप उसको लेते हैं तो वो शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता, उसे वहीं पर रोक देता है, उसे प्रिवेंट करता है। तो जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो ये ले सकते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और दोस्तों ये जो बात थी जो अभी तक जो मैंने आपसे की है वो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बात की थी, अभी हम चलते हैं एक्सटर्नल, मतलब हमारे स्किन के ऊपर। दोस्तों ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, इसकी तो बात की हम गारंटी देते। अगर आपकी स्किन डेड है, ड्राई है, अगर आप बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हो, यही नहीं कि नॉर्मल पीपल्स भी है जिनको एक्टर बनना है, लेडीज़ है स्पेशली जिनको उनकी स्किन काफ़ी हद तक सॉफ्ट चाहिए, कॉटन में लगा के अगर वो स्किन पर लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों पता है, कि उनकी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। अगर देखिए अगर आपको बॉडी की जो आपको बॉडी भी पूरी हद तक अगर सॉफ्ट चाहिए तो क्या, अगर नहाने के पानी में उसको जो है एक ढक्कन डाल दिया, नहा के दिखाइए, विद इन 1 हफ्ते के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी स्किन में कितना फ़र्क है। वो तो करता ही है नहाने पर, जिनके बालों में डैंड्रफ है या जुए चढ़ी है, सॉरी टू से दैट, तो वो काफ़ी हद तक है उसे भी जुए निकालने को या डैंड्रफ हटाने के लिए भी काफ़ी हद तक ही हेल्प करता है। और दोस्तों वो तो करेगा ही, लेकिन उसके अलावा शाइन करेगा वो अलग है।
तो एक्सटर्नली भी ये काफ़ी अच्छा है, इंटरनली भी ये काफ़ी अच्छा है। दोस्तों एक और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों में तकलीफ है, उसे हम कहते हैं कि आपके सांस में बदबू आना। तो वो क्या करेगा दोस्तों, ये चीज़ जो एप्पल साइडर विनेगर, वो चीज़ों को किल करता है, मतलब आपकी सांस जो है वो महकनी चालू हो जाएगी विद इन अ वीक, लेकिन उसका सेवन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और जिनको सोर थ्रोट है, मतलब खराश की प्रॉब्लम है, तो ये आपकी वो इसके जो बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया को किल करके वो सोर थ्रोट को काफ़ी हद तक वो क्योर कर देंगे और आपके जो है जो थ्रोट रहेगा वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों चलते हैं इसके डोसेजेस के ऊपर कि आपको इसका सेवन कैसे करना है। आपको ग्लास में 15 ml डालनी है, तो ठंडा पानी नहीं आपको यूज़ करना है, आपको जो है सादा पानी या थोड़ा सा वार्म कर सकते हैं या ओवन में आप 15 सेकेंड्स तक रख सकते हैं, वो आपको लेना है मॉर्निंग में। जिनको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है, जिनको सांस में बदबू आ रहा है, वो आप दिन में आपको एक बार लेना है। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उन्हें एक बार लेना है। मील से आपको अराउंड 15-20 मिनट पहले आपको लेना है और आपको धीरे धीरे करके ख़त्म करना है, सिप करके ख़त्म करना है, एक साथ नहीं लेना है। और जिनको जो हाई ओबीज है, जिनको वेट लॉस करना है, वो उसे लंच के बाद में भी आप ले सकते हैं सेम फॉर्मेट में। तो क्या होगा दोस्तों, उसके बाद से लेके मतलब दोपहर से लेके रात तक आपका जो मील खाने का जो चस्का जो है, जो आपको स्टार्वेशन शाम में होता है कुछ जंक खाने का या रात में होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा दोस्तों। तो आप कैलोरी डेफिसिट में चले जाओगे तो क्या होगा, सही जवाब, आपका वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। एक अभी अब लेने से अगले दिन से वेट लॉस नहीं चालू होगा, हर एक चीज़ को टाइम लगता है, ये वो चीज़ के लिए हेल्प करेगा। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमने ऑलरेडी बता दिए हुए, तो जिनको वो चीज़ के इश्यूज जो है, तो आज इसका सेवन आप स्टार्ट करिए। सो दोस्तों इसे 30 ml से ज़्यादा दिन में नहीं लेना है, 20 से 30 ml से ज़्यादा आपको दिन में नहीं लेना है। तो चलते हैं हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो मैं बता दूँ कि ये जो वाव का एप्पल साइडर विनेगर जो है, ये कम्प्लीटली नेचुरल है। आपने मार्केट में देखा होगा कि जो दूसरी जो कंपनी के मिलते हैं, मैं सब कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, एप्पल का जूस लेते हैं, उसमें केमिकल और पानी डाल के जो है वो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ, इसमें मेरे को कुछ इफेक्ट ही नहीं मिल रहा, ना मुझे कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, ना आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो रहा है, ना आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है। तो वो कम्प्लीटली नेचुरल नहीं है। ये जो है वो नेचुरल है क्योंकि ये रॉ है, ये कम्प्लीटली एप्पल से बना हुआ है, एप्पल के जूस से, जो रॉ है, अनफिल्टर्ड है एंड अनपैश्चराइज्ड है, मींस इसमें कोई केमिकल नहीं डाला हुआ है। फिर भी दोस्तों इसमें थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स आएगा, वो कब, जब भी आप इसे ज़्यादा मात्रा में लेते हो। तो क्या होगा, आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, आपको बोन की इशू चालू हो जाएगी अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में लोगे। जैसा मैंने बोला है, 30 ml से अगर आप ज़्यादा लोगे, दिन में 2 बार से 3 से 4 बार ले रहे हो, तो आपको इसका साइड इफेक्ट्स दिखेगा। आपको अंदर ना आपके जलन चालू हो जाएगी, मतलब आपके जो जहाँ से खाना जाता है ना, आपको स्टमक में जलेगा, आपको थ्रोट में जलेगा अगर आप इसकी मात्रा अगर बढ़ा देंगे। और दोस्तों मेक श्योर कि अगर आप सुबह में ले रहे हो तो आप 20 मिनट के बाद आपका ब्रेकफास्ट करिए, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके स्टमक में ऑलरेडी एसिडिक एसिड है। आप उसे और अगर डालोगे तो फिर कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं आपको, आपको जो है खट्टे डकार आ सकते हैं फिर, क्योंकि ऑलरेडी खट्टा ही रहता है वो जो एसिडिक एसिड जो रहता है। आपको जलन चालू हो जाएगी जैसे मैंने बताया था आपके गले में, तो आप वो लेने के बाद आप 15 से 20 मिनट के अंदर आपका सेवन कर सकते हैं खाने का। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे बनाना है और कैसे पीना है, आइए। तो दोस्तों सतीश भाई मेरे लिए पानी ले आए, बोलते सर आप इसे पी के दिखाइए। तो मैंने पानी लिया हुआ है राउंड अबाउट, ये शायद मेरे को लगता है 150 ml है, तो ये मैं जो है 15 ml जो है इसमें डालूंगा। ये देख सकते हैं उसमें ना वो रेंज आता है 15 ml, जो 1 tablespoon रहता है। क्या कर के रहो सतीश भाई, आज कोई है नहीं तो चम्मच चम्मच तो लेकर थोड़ा काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान नहीं तुम्हारा यार, जाओ चम्मच लेके बुड़बक। सो दोस्तों ये करने के बाद आपको इसे चम्मच से घोलना है अच्छी तरह से, ताकि पूरी तरह से मिल जाए, और सिप सिप करके पीना है जैसे आप कॉफ़ी चाय पीते हो। थोड़ा खट्टा टेस्ट है और यही चीज़ नींबू में भी मिलती है, मुझे लगता है, लगता है इसमें मेरे दांत भी साफ़ हो जाएंगे क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड है। जब तक मैं ख़त्म करता हूँ तब तक दोस्तों आप हमें इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा ज़रूर, इंस्टाग्राम पेज पर जाइए फिटनेस फाइटर्स ऑफिशियल, उसे आप फॉलो करिए। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों स्टे फिट स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।